छात्रवादी के सिद्धांत के साथ कोई विरोध है ही नहीं, सभी तो हमारे एक आदमी जब सब अपने हमसे कोई भिन्न है, इसलिए उनके सिद्धांत में जो कमी है ये है कि वो पूरा के पूरा देव को निचोड़ नहीं पाए, है ना। जहाँ जहाँ से अपने मन को सिद्धांत पुष्ट करने के बात है उसको कथन करने के बाद वेदांतिक दृष्टि के अनुसार ये हम जगत में पारमार्थिक कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार के लिए है प्रातिभाषिक है। बार बार वेदांत गुरुमुख से वेदांतों का सुनते सुनते ये निश्चय होने पर मन जब ये निश्चय कर लेते महाराज में कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है तब संबंधित चिंता छोड़ते हैं। जब संबंधित आत्मा सत्य अनुबोध है ना, न संकल्प आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, बाहरी किसी वस्तु संकल्प संकल्प नहीं करते मन के पास ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। पर क्या होता है एक अधिष्ठान के साथ एक होता है आत्मा व्यापकाकार शुद्धाकार जो आत्मा आत्मा वृद्धि है उसमें हम स्थिर हो जाते हैं। एक पक्ष ये है कि विचार पूर्वक निर्णय करके मन को अमनीभाव कर देना जो उत्तम अधिकारी के लिए संभव है, इसीलिए इस योग का नाम है अस्पृश्य। मतलब ये किसी के साथ किसी में संबंध नहीं करता, आत्मा सर्वथा अशांत अवस्था है, आत्मा किसी के साथ कोई संबंध नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अस्पृश्य योग परिणाम दूरदर्श सर्वयोगी भी सामान्य व्यक्ति अथवा योगियों के द्वारा ये देखना बड़ा कठिन है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शरीर का ये स्वभाव बना हुआ है आप किसी के साथ संबंध जोड़ करके व्यवहार करते हैं और बाहरी स्वर पर अपने शरीर के साथ संबंध करके व्यवहार करते रहते हैं। अब जो है ये सर्वथा असंभव है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार वस्तु को समझना शरीर आदि के लिए थोड़ा कठिन बन गया। इसलिए योगी न विभ्यति अस्मात् अभये भय दर्शन, योगी लोग जहाँ घबराए जाते हैं भय रहित जो पूर्ण असंभव व्यापक तत्व है वहाँ पर भय देखने लगते हैं, क्यों मेरा अस्तित्व खो जाएगा, मेरा व्यक्तित्व तो खो जाएगा, है ना, मेरा ब्राह्मणत्व तो खो जाएगा, मेरा सन्यासित्व तो खो जाएगा, मेरा बुद्धिमत्ता खो जाएगा, ये सब सोचते हैं, है ना। इसीलिए घबराते हैं और शास्त्र बोलते हैं अरे तुम असंगता पूर्णता व्यापकता के साथ एक होकर के ले जाओ और प्रलब्ध निमित्त जो भोग है वो अपने आप नहीं आएगा, उसको तुम लोग भी नहीं पाओ। तो यहाँ पर इतना कथन करने के बाद अब जो लोग विचार पूर्वक जगत के मिथ्या को निश्चय नहीं कर पाते हैं वो लोग को मन के यदि निग्रह कर पाते हैं तब वो मन अमन मर्म हो जाता है। उसको लेकर के देखो कल ये पेज 183 मतलब 40 से शुरू होगा आपका, है ना, नंबर 40 से इस पर जो नंबर लेते टीका में देखिए उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शन अद्वैत दृष्टि फलम च उत्तम अधिकारी के लिए अद्वैत भूतक हर दिन एक से भिन्न दूसरे को नहीं देखना और ये देखने का फल क्या है वो निर अभय हो जाता है, समाधि अचल अभय बुद्धि स्थिर रहते हैं, कहीं कोई विक्षेप नहीं है, अगर नहीं हो जाता है। ये जो फल वहाँ पर कह दिया गया मनोनिरोध मुक्त इस प्रकार से जगत में मिथ्या इस प्रकार स्वाप्निक वस्तु मिथ्या है इसको लेकर के कोई भी विवेकी व्यक्ति कभी भी मनोवृत्ति नहीं करना चिंता करते हैं, ठीक है ना। परंतु अविवेकी व्यक्ति स्वप्न में ये देखा तो वो कहाँ होगा ये कहाँ पर ये सत्य ईश्वर विचार करते रहते हैं। उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम च मन निरोधम उक्ता आप मंद दृष्टि नाम मन निरोध अधीनम आत्मदर्शन पर सामान्य व्यक्ति जो है अभी तक उस विचार को जो जगत के मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं कर पाया वो जो है आत्मदर्शन कैसे करेंगे मन निरोध के अधीन होकर के आत्मदर्शन होता है ना। यहाँ पे क्या है आत्मविचार से जगत मिथ्यात्व निश्चय पर मन निरोध हो जाता है, मन निरोध मन अमर हो जाता है। अब यहाँ इधर क्या है मन को निरोध करके तो आत्मसाक्षात्कार उत्तम दृष्टि नाम जन्मांतर कर्म उपासना ठीक है ना। उत्तम अधिकारी क्यों बना जन्म से वेदांत सुनने का रुचि क्यों बना क्योंकि जन्मांतर में कर्म उपासना करके आया करके इसलिए है ना शुद्ध एकाग्र मन शाम जिसका मन शुद्ध है एकाग्र है एक वस्तु को ऊपर मन को पकड़ करके रख सकता है लंबा समय तक। छः नंबर टिप्पण होता है मनोनिरोधम अखंड आत्म एकाकारता वृद्धि अर्थ मन का निरोध किसमें होता है अखंड एक आत्मवृत्ति में आत्म व्यापक आकार वृद्धि में मन स्थिर जाता है।
और मंगल स्थान क्या होता है, कर्म अनुष्ठानत निष्पापत्तेन निर्विक्षेप और मात्र अवशिष्टान संपादन मतलब क्या है, निष्काम कर्म के फल स्वरूप उनका जो है बल दोष चला गया, विक्षेप दोष को मिटाना है। विक्षेप दोष को मिटाने के लिए हमें क्या करते हैं, उपासना करना है, यानी इसके लिए यहाँ पे मन निग्रहायतन ऐसा कहा गया। अब हम श्लोक को पढ़ते हैं, मनसो निग्रहायत मनसो निग्रहायत मभयं सर्वयोगिनां मभयं सर्वयोगिनां दुःख क्षय प्रबोधश्च दुःख क्षय प्रबोधश्च प्यक्षया शान्तिरेव च क्षया शान्तिरेव च मनसो निग्रहायत मभयं सर्वयोगिनां दुःख क्षय प्रबोधश्च अन्य सभी योगियों को मतलब इस अस्पर्श योग के साधन नहीं करने के भिन्न जो अन्य योगी है जब भी अप्रसाद अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के साधन करते हैं उन सभी योगियों के लिए क्या होगा, पहले मन को निरुद्ध करना पड़ेगा। मनस निग्रह आयत्तम मन की निग्रह के अधीन होकर के ही अभय भाव को प्राप्त करते हैं, अभय भाव को प्राप्त करते हैं, मन को यदि निरोध कर पाएंगे तब जाके हो पाएंगे। इसलिए मनसो षष्ठी वचन निग्रह आयत्त उस निग्रह के अधीन क्या अभय अभय भाव को प्राप्त करते हैं सर्व योगी नाम समस्त योगी के लिए फिर क्या होता है, दुख क्षय प्रबोधस्य अपि अक्षय शांति देवत पहले क्या होता है वो जगता है, जगने से क्या होता है बाहरी वस्तु संबंधित चिंता चला जाता है, इसलिए दुख मतलब हाय मेरे पास ये वस्तु नहीं है तो हाँ वो कैसे मिल जाए ये कैसे खो जाए ये चिंता नहीं है, इसलिए दुख हो जाए। और फल तो कहते हैं अपनी व्यापकता पूर्णता को समझने कर अक्षर शांति हो। एक उत्तम अधिकारी के लिए विचार पूर्वक या जगत के मिथ्यात्व निश्चय करने के फलस्वरूप जैसे बाहरी वस्तु संबंधित चिंता नहीं होता मन अमर हो जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मन को जितना विचार पूर्वक जगत के तत्व को निश्चय नहीं कर पाते उनके लिए पता है मन को निरोध करना पड़ता है। मन यदि निरोध हो जाता है मनुष्य ही अमन भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है जो इसलिए जो है ये योग दर्शन की समाधि है। योग दर्शन की समाधि में क्या है कि सभी कल्प निर्विकल्प समाधि के मन का स्थूल वस्तु से लेकर के सूक्ष्म वस्तु में धीरे 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 मन फिर एकाग्र करके स्थिर करके फिर जो है ब्रह्माकार वृत्ति मन को रखने पर मन अमन भाव हो जाता है। और वेदांति क्या विचार पूर्वक मित्र निश्चय हो जाए जागरूक वस्तु संपन्न कहाँ क्या हो रहा है क्या चीज क्या चीज बस अपना पूर्ण करना संपन्न लेकिन इसको टीकाकरण बोल रहे हैं अभयम इति अशेष भय निवृत्ति साधनम आत्मदर्शन उच्यते मनस निग्रह आयत्तम अभयम सर्वयोगिनां। अभय मतलब क्या हो गया, अभयम इति अभय मतलब अशेष भय निवृत्ति साधन पूर्ण रूप से यदि भय से निवृत्ति होना चाहते हो उसके लिए एक ही उपाय है, क्या एक उपाय है, एकत्व की भूत है ना, अपने हमको अपना हाथ पैर से डर होता कि नहीं होता तब बिल्कुल नष्ट को लग सकता है, इसी प्रकार पूर्णता के शांति लेकर किसी डर नहीं होने से होता है। अभय इति अशेष भय निवृत्ति साधन अभय क्या है, संपूर्ण भय निवृत्ति का साधन क्या है, आत्मदर्शन चाहिए। अभय सर्वयोगी नाम मतलब मन से आत्मदर्शन समस्त योगी के लिए आत्मदर्शन कैसे होगा, मन को निग्रह कर पाए तो सर्वयोगिना वहाँ पर सर्वयोगी नाम पद आया है उसके लिए अर्थ कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं कि सर्वेशां योगिनां कर्म अनुष्ठान निष्ठानां बुद्धि शुद्धिमता इति अर्थ है ना। ये अन्य समस्त योगी कौन है, सर्वेशां योगिनां है ना, समस्त योगियों का या कौन है बोलो, कर्म अनुष्ठान निष्ठान कर्म अनुष्ठान में निष्ठा रखते हैं, निष्काम कर्म के माध्यम से बुद्धि शुद्धि भी होगा, बुद्धि शुद्धि मकाम
शुद्ध बुद्धि वाले का जो है अभी अंतकरण मन को निग्रह करने के उपाय बताएंगे। मनोनिरोध अधीनम प्राप उक्तम अनुद्ध तत्फलम कैवल्यम दर्शयति कथयति। हाँ, मनोनिरोध अधीनम, यदि मन को हम निरोध कर पाते हैं तो क्या होता है, प्राप उक्तम जो पहले कथन करके आया मतलब मनोनिरोध का दिक्कत है दुख क्षय अव्य शांति वचन है ना, उसी को यहाँ पे पहले भी बोलता था मन के निरोध मनुष्य ही अमनि भावे दैतम नहीं बोल पता निरुपचार कथन जन के कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। मनोनिरोध अधीनम प्राग उत्तम अनुद्य तत्फलम, आलोच मन के निरोध कर मन से क्या फल होता है केवल अता की भाव भाव प्राप्त करता शरीर विशेष पूर्णता के बाद कथय इसको कहते हैं दुख क्षय प्रबोधस्य अपि अक्षय शांति एवं, परंतु पहले प्रबोध होगा फिर दुख नाश होगा अनिरक्ष आनंद होगा। तो यहाँ पे आठ नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है ना, प्राग उक्तम अनुद्ध, प्राग उक्तम अनुद्ध पूर्वार्ध उक्तम, पहले अर्ध में क्या बोला मनुष्य निग्न आयतम अभय पहले बोल गया है, तो पूर्वार्ध उक्तम अभयम प्रबोध पदेन अनुज्ञ इत्यादि बोले अभय आप कैसे करते यहाँ पे कैसे अनुवाद किया प्रबोध दुख क्षय प्रबोध सभ्य शांति रेवत है, ये प्रबोध किसका बोधक है अभय प्राप्ति, अभय प्राप्ति का बोधक किसका बोधक है पूर्वार्थ उक्तम अभयम बोले पहले अर्थानुभाग के मनुष्य निग्रह आयतम अभयम सर्वयोगिनम अभय पद अभय प्रबोध पदेन अनुज्ञ उसको भाषकार मकालिका करने यहाँ पे अभय पद मतलब जग गया है ना, इस प्रकार स्वप्न में हम कुछ शेर मेरे को खाते हुए आ रहे हैं देखा ही अचानक मृत्यु भी तो है टूट जाता है कि शेर न है कुछ देर का कुछ का तो गाय कुछ है नहीं करता वो थोड़ा प्रवृत्ति बंद कर पाते प्रबोध पदेन अनुज्ञ। अब बोलते हैं श्लोक से विषय परिश नष्टि है ना, श्लोक से विषय परिश नष्टि, परिश नष्टि मतलब कह रहे थे पूर्व श्लोक विषयात् पृथक करोति। हाँ, पहले श्लोक में जो कह कर गया उससे श्लोक में क्या भिन्नता है, पहले श्लोक में किसके बारे में कथन किया था उत्तम अधिकारी के बारे में जो विचार पूर्वक निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया जगत मिलता है गलत मन उत्तर संबंधित विचार नहीं उठाता वो निरंतर शांति को प्राप्त करता है। और यहाँ पे क्या है मंद और मध्यम अधिकारी जिसने मतलब निष्काम कर्म के द्वारा उनका विक्षिप्त दोष चला गया जो आपका सॉरी मल दोष चला गया जो विक्षिप्त दोष है उसको नाश करने के लिए उपासना के माध्यम से मन को अपने अधीन करने के लिए एक उपाय बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं पूर्व श्लोक का विषय आप पहले श्लोक के विषय से इसको पृथक करते हैं। अब आइए भाषण आपका पाते हैं येषाम पुनः ब्रह्म स्वरूप व्यतिरेक रज्जु सर्ववत कल्पितम एवं मन इंद्रिया च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणाम् अभयम् मोक्षाख्या च अक्षया शांति स्वभावत एव सिद्धा न अन्न आयत्त न उपचार कथंचन इति अवोचाम। ठीक है, ऐसे ऐसे बड़ा पहाड़ कर दिया येषां पुनः, परंतु जिन लोगों का ब्रह्म स्वरूप व्यतिरेक है ना ब्रह्म स्वरूप से अलग करके रज्जु सर्ववत कल्पितम एव मतलब सारा संसार में वस्तु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व समान कल्पित है, इस प्रकार से मन इंद्रियादि च ये कहाँ तक बाहरी वस्तु को लेकर के समस्या नहीं है, समस्या कहाँ पे हमारा मन ही सबसे बड़ा समस्या है, प्रत्येक दिन मन ही सबसे बड़ा समस्या से होता है मन इंद्रियादि च न परमार्थ तो विद्यते ये भौतिक है पारमार्थिक है नहीं है ना, इस प्रकार से निश्चय जिन लोगों का हो गया तेषां ब्रह्म स्वरूप आना वो क्या भी किस स्वरूप में विद्यमान है व्यापकता व्यापकता किस असंग व्यापक स्वरूप में विद्यमान व्यक्ति अभय भय रहित मुक्ति नामक जो पद है उसको अभयम मोक्षाख्या च अक्षय शांति उसके साथ एक शांति को प्राप्त करते हैं जो शांति अथवा आनंद इसका कभी क्षय नहीं, क्योंकि व्यवहार में जो भी कुछ हम शांति को प्राप्त करते हैं वो क्षयिष्णु है मतलब वो आज नहीं तो कल क्षय हो ही जाए।
अक्षय शांति स्वभावतः एव, मतलब बाहरी किसी निमित्त से नहीं, अपने स्वरूप से वो निर्देश आनंद को प्राप्त करते, स्वभावतः एव सिद्धा समाप्ति सिद्ध हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर स्वभाव है, हमारे पुस्तक में नहीं आया तो अच्छा है। न अन्यायता दुष्ट के अधीन होकर के उसका जो है ये निर्देश आनंद प्राप्त नहीं होता, इस माध्यम से क्रिया से नहीं होता। जो हम पहले भूल करके आया नोपसार कथन चल, देखो 36 नंबर श्लोक पे देखो, 36 अजम अनिद्रम स्वप्नम अनामकम अरूपकम सत्कृत विभागम सर्वज्ञम नोपचार कथन चल। ठीक है ना, जन्म रहित अग्रण और अन्यथा ग्रहण से रहित, नाम रूप से रहित, एक बार प्रकाश होकर के हमेशा उसी प्रकार है, इस प्रकार के भाव में पहुँचने पर कोई साधन के संबंध में नहीं लिखना चाहिए, रूपचार करना चाहिए। जिन श्लोक इसलिए जो लोग इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर गया तो स्वभाव से ही मैं मुक्त हूँ, सर्वत मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं अशंक हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं पूर्ण हूँ, इस प्रकार जिसका निश्चय हो गया तो अब दूसरा किसी भी माध्यम की अपेक्षा नहीं रखता, ना अन्याय ऐसा पहले बोल करके ना उपचार कथन करने की अपेक्षा में ऐसा नहीं पहले कथन करके आया। इस पंच में देखिए 3 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े, ये शाम 2 नंबर टिप्पणी उस पंच में, पहले इस पंच में देखिए 187 में देखिए 187 ये शाम, हाँ ये शाम 3 नंबर टिप्पणी, ये शाम विदुषाम जीवन मुक्त है ना, ज्ञान मंत्र जीवन मुक्त स्थिति में कैसे होगा उसको बोलते हैं। ब्रह्म अपने स्वरूप से भिन्न करके, व्यापकता के स्वरूप से भिन्न करके कुछ भी वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है, कहाँ तक अपना शरीर की जो मन बुद्धि भी कल्पना ही है। जब तक इस जन्म से जगने के बाद जैसे कुछ देर तक वो डर मन में बैठ रहता है, वही प्रारंभ है, मतलब अनुभव होने के बाद थोड़ी जब तक प्रारंभ रहता है तब तक उसकी अनुवृत्ति बाधित अनुवृत्ति होता रहता है, वास्तविक को है। बोलते हैं ये शाम विदुषाम जीवन मुक्ता नाम जीवन मुक्त पुरुष का पुनर्ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप व्यापकता के स्वरूप को छोड़ करके रज्जु, वही एक मंत्र सत्य रज्जु सर्पवत कल्प्य, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान, क्या है क्या वस्तु है वो मन इंद्रियां इच्छा, यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब जो है कल्पित है, न पारमार्थिक विद्या, पारमार्थिक ये है ही नहीं, ये हमारी कल्पना है। तेषां ब्रह्म स्वरूपाणां अभय इस प्रकार व्यापकता के भाव में बैठे हूँ महादेश जीवन मुक्त पुरुष मुक्ति नाम, मुक्ति नाम मुक्ति क्या है, जो अलग कोई वस्तु नहीं बस शांति है, यही मुक्ति है, निर्देश शांति आनंद यही मुक्ति की स्थिति है। अक्षय शांति वो क्षय रहित आनंद, मतलब जिसमें कोई व्यभिचार नहीं होता, घटता घटता नहीं है, ये अपने आप स्वभाव मतलब एव सिद्धा स्वभाव से अपने आप सिद्ध हो जाता है। फिर इस पद में आया न अन्न आयत्ता दूसरे के अधीन होकर के नहीं होते, यहाँ पे दो नंबर अन्न आयत्ता मनो निरोध अधीन विन मनो निरोध करो समाधि लगा ये सब कुछ आदत नहीं है, विचार पूर्वक निर्णय कर लिया चिंता नहीं होता जो नहीं हो रहा है। फिर इसके लिए बोला मैं पहले बोल करता है मैं उपचार कथन चलेगी और संभव ये तो अतो अन्य योगी न, इस प्रकार विचार का असमर्थ व्यक्ति इसका अंतकरण पहले से शुद्ध नहीं है, इस प्रकार के साधनों को लिखा का साधन ये तो अतो अन्य योगी न, इससे भिन्न प्रतीत के योगी लोग है मार्ग का शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले, योगी न मार्ग का मतलब शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले कर्मों वचनाधिकार हीन मध्यम दृष्टय, कुछ कमजोर है और कुछ मध्यम दृष्टि वाले, कमजोर बुद्धि वाले और मध्यम बुद्धि वाले, दृष्टय मन वाला है, दृष्ट मतलब इस प्रकार के मन है ये तो अन्य योगी न मार्ग का हीन मध्यम दृष्टय मन इस प्रकार मन वाला है अंदर आत्मव्यतिरिक्तम आत्म संबंधित अन्न आत्मा से भिन्न आत्मा से संबंध करने वाला, भिन्न देखोगे तो संबंध करना ही है ना, भिन्न देखेंगे तो अपना संबंध करना, इसलिए बोलता है अन्न आत्म व्यतिरिक्त आत्मा से भिन्न पदार्थ से संबंध रखने वाला मन आदि को देखते हैं पश्चिम जो लोग देखते हैं देशा उन लोगों का मोक्ष फल मुक्ति नामक जो फल है ना
मनुष्य निग्रह आया तो पहले बोला यहाँ मनुष्य डिकोरेशन है मनुष्य ही थी मतलब मनुष्य निग्रह आया तो विषय कथा ड्रॉप हो गया हमें विषय कथा ड्रॉप हो गया हमें बस हमारा इस श्लोक का पहला शब्द है मनुष्य देश आत्मशब्द अनुबोध रहता नाम विचार पूर्वक आत्म संसार होते हैं इस प्रकार अनुबोध मतलब गुरुमुख से शास्त्र भक्त को सुनकर विचार करके वो बोध जागृत नहीं है उन लोगों को अनुबोध आत्मशब्द अनुबोध रहता नाम इससे रहते हैं विरोध मनुष्य निग्रह आया तो उन लोगों को तो पहले मन को विरोध करना तब जाकर के शांति जैसे होता है मनुष्य निग्रह अभय सर्वेशा योगी नाम है ना जो है तब अन्य सभी लोगों का उस भय के रहित शब्द को भय रहित पथ को वो लोग प्राप्त कर सकते भय रहित पथ को प्राप्त कर सकते केवल इतना ही नहीं यदि वो भय रहित पथ को जाकर मैं कि प्राप्त कर सकते हैं तब क्या हो जाता है दुख क्षय उसका दुख की आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निरतिशय आना से आत्यंतिक दुख निवृत्त हमेशा के लिए दूर चला जाता है दुख निवृत्ति दुख क्षय दुख का क्षय हो जाता है नहीं आत्म संबंधिनी मनुष्य प्रचलित दुख क्षय अस्ति देखिए दुख का कारण क्या है दुख का कारण क्या है मन के आत्मा के साथ संबंध रखना मन उस मन जब प्रचलित जब तक रहता है तब तक आप दुख से बच नहीं सकते आत्मा के साथ संबंध रखने वाला मन और मन जब तक प्रचलित होता रहेगा तब तक आप दुख से बच नहीं सकते इसलिए बोलते हैं कि नहीं आत्म संबंधी मनुष्य आत्मा के साथ संबंध रखने वाला मन होती हुई प्रचलित मन के विक्षेप हो जाए तब आपका दुख का क्षय भी हो जाएगा दुख का क्षय न यहाँ से न मान्य हो जाए अविवेकी व्यक्ति होगी देखिए जहाँ कहीं भी हमने अभी बैठ के पढ़ रहे शांत मन से पढ़ रहे कोई आके यहाँ पे कहते हैं अरे वहाँ पे कोई गिर गया या कुछ हो गया मन में विक्षेप हो गया नहीं क्यों मोहन तो बुद्ध मैंने संबंध भी रखा संबंध जो है हर जगह पे यही है कि हमारा विक्षेप का कारण मन में संबंध जोड़ है भगवान की सृष्टि में कोई विक्षेप नहीं है तो जैसे ही हमने मेरा पद जोड़ लेते हैं वहीं पर विक्षेप शुरू होता है वहीं पर विक्षेप शुरू होता है इसीलिए होता है नहीं आत्म संबंधी नहीं मनुष्य है ना आत्मा के साथ संबंध मन का संबंध बनाकर क्षति होते हुए प्रचलित छह नंबर टिप्पणी देखो प्रचलित मतलब विक्षिप्त मतलब जब मन को सुसुन करके मन में थोड़ा विक्षेप हुआ कहा वहाँ पे क्या होगा कहा गया हमें संबंध जोड़ा वहीं पर जो है संबंध मनुष्य प्रचलित दुख क्षय तब तक दुख का क्षय नहीं होगा जहाँ तक हमारे मन में किसी के साथ कोई संबंध बैठा रहेगा तब तक हमारा दुख निवृत्ति इसलिए महात्मा लोग सारा चीज छोड़ के आते हैं मन से संबंध छोड़ देते हैं वो विषय बाहर से छोड़ने से नहीं होगा मन से पूरा संबंध छोड़ देते ठीक है व्यक्ति मिलते हैं पर हम संबंध नहीं देते हम तो असंगा क्या संबंध है तो क्या संबंध है आत्मैक्सिमम आत्मसंबंध होगा शरीर निर्दिष्ट जो संबंध बनाकर वो जब तक रहेगा तब तक दुख होता ही रहेगा नहीं आत्म संबंधी मनुष्य प्रचलित मतलब प्रचलित दुख क्षय अस्थि अविवेक अविवेकी व्यक्ति के लिए यही देखिए अविवेक शब्द प्रयोग है यही विवेक है संसार में जो भी कुछ भगवान ने माना है उसको रहने दो उसको ऐसे ही रहने दो सामान्य फूल को लेकर के भी भगवान के सृष्टि कर दो उसमें भी विषय उत्पन्न हो जाते हो मैंने लगाया मेरा पुष्ट ना उठा होता है ऐसा ऐसा होता है यही बात है हमने फूल में पेड़ पौधा जो भी कुछ है पुस्ता नहीं क्यों वो मन से उसके साथ हमने एक संबंध वही विक्षेप के लिए हुआ अभी देखा किंच आत्मप्रबोध है अभी मतलब आत्मप्रबोध भी कैसे होगा आत्मप्रबोध मतलब आत्मज्ञान कैसे होगा तब उनका जब उनने विचार नहीं कर सकते तब क्या हो जाएगा मन आपका शुद्ध होगा स्थिर होगा तब आत्मज्ञान होगा देखिए रिवर्स प्रक्रिया को देखिए विचार पूर्वक मन को शुद्ध करके आत्मज्ञान होने से मन निरोध हो जाता है ये वेदांतिक प्रक्रिया है देखिए विचार पूर्वक यदि आप निश्चय कर सकते हैं संसार में कोई वस्तु सत्य नहीं है इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तब मन अपने आप ही नहीं जाएगा जैसे हम स्वप्निक वस्तु को लेकर के चिंतन नहीं करते
यही मन का अमानी भाव होता है। अतः मन क्या करेगा, मन बस अपने असंग हूँ, व्यापक हूँ, पूर्ण हूँ, क्या समझा के रूप में न्याय आएगा। ये हो गया वेदांत में उत्तम अधिकार। नहीं कर पाते तब आप ध्यान मन पे एकाग्र करने का समाधि लगाने का कोशिश करें। तब जब मन चित्त एकाग्र होगा तब आपका आत्मसमान शुद्ध शांत जल में जैसे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, मन थोड़ा सा शांत होने पर भी चिदाभास जो आभास है वो चला जाता है, चित्त स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। किंच आत्म प्रबोध अपनी मन निग्रह आयंत एवं आत्मा की जो ज्ञान है वो भी आपको जब मन निग्रह कर पाएंगे तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए विचार साधन मुख्य है वेदांत में, तथा अक्षया अपि मोक्षाख्या शांति मुक्ति मतलब है निर्दिशय आनंद, निर्दिशय आनंद जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तेषां मन निग्रह आयंत एवं उन लोगों का भी होगा। देखिए ये नहीं बोल रहे उन लोगों का नहीं होगा, परंतु मन निग्रह होने पर तब होगा। हमारे यहाँ पे विचार पूर्वक बुद्धि बौद्धिक निश्चय, बौद्धिक निश्चय के द्वारा मन जो है अमन भाव हो जाए विचार तत्व। एक आदमी आपको बताइए स्पिरिचुअलिटी इज इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल गेमिंग, ये कोई इंटेलेक्चुअल गेम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आध्यात्मिकता और ये बौद्धिक के लिए नहीं है, आध्यात्मिकता कोई भिन्न वस्तु है, परंतु बुद्धि शुद्ध होने की अपेक्षा है। विचार पूर्वक जगत के मिथ्यात्व के निश्चय करने का फलस्वरूप जब मन अन्न कोई व्यक्ति नहीं उठाता तब वो क्या होने अंदर अपने भी व्यक्ति समझेगा और वही चीज उसके अंदर अपने स्वरूप को नहीं करता। ये नहीं करना तो नेक्स्ट के बीच ठीक है आप मन को धीरे धीरे करके निष्काम कर्म करा, आपका मन जो चला गया तो विक्षेप को हटाने के लिए आत्मसंबंधित चिंता करो। एक अक्षर दिया अधिकरण आता है ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय पद, अक्षर दिया अधिकरण मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष को निषेध मुख से बार बार विचार करते हैं। अठारह या उन्नीस मंदिर उसमें जो निर्गुण निराकार निर्विशेष को यही मेरा स्वरूप इस प्रकार से निषेध मुख से उसका चिंतन करने से धीरे धीरे मन वहाँ स्थिर हो जाता है। हम भी जिसको टीकाकार क्या बोलते हैं, हम आश्रय टीकाकार बोलते हैं कि श्लोक विषय परिशीनष्टि, श्लोक जिस विषय को कहना चाहता है उसको अन्न से अलग करके दिखाया, पूर्व श्लोक से क्या अलग दिखाया, अधिकारी की भिन्नता साधन प्रोसेस में भिन्नता, अधिकारी की भिन्नता के प्रोसेस में भिन्नता। बाकी सामने पहले पूरा कहें कथन करके सूर्य को विचार करने की शैली विचार करने की कौशल करने के बाद मनन निधि के माध्यम से निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए जो शास्त्र में जो कहा ये श्रवण मनन निधि ध्यान, मनन होता है विचार, मनन मतलब विचार, और विचार के बाद क्या संशय विपर्य रहित जो निश्चय, संशय विपर्य रहित जो निश्चय, मन फिर बाहर में किसी विषय संकल्प नहीं होता था, ये हो गया निधि ध्यान। अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान उपासना के माध्यम से मन को अपने वश में करके फिर यहाँ पे निर्देश शांति बात को साक्षात्कार करके निर्देश शांति को प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार लिखते हैं अभय भय राहित्यम असंत्राश आत्मकम इति अर्थ दशम, ये अभय कहाँ पे आया श्लोक से येषां पुनर्ब्रह्म स्वरूप भाष्य में आगे भाष्य में आ जाइए रज्जु सर्प पद विकल्पित मन इंद्रिया विचन परमार्थ विद्यते येषां ब्रह्म स्वरूपानां अभय, ठीक है ये तो अभय पड़ता अभय पद मूल में भी आया अभय पद भाष्य में भी आया, ये भाष्य का पद को लेकर के बोल अभय भय राहित मतलब भय से भय रहित की जो भाव असंत्रास संतरास मन में नहीं होता हाँ ये नहीं होगा तो आगे क्या होगा ऐसा क्यों होगा ये संतरास है ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अब ऐसा होने से क्या होगा ये तो वो आएगा तो क्या होगा नहीं आएगा तो क्या ये जो अननेसरी थॉट्स ये सब चीज़ें हो गई बस या तो है कुछ है ही नहीं अथवा है तो ईश्वर सब कुछ करने वाला आपको न चिंता करने वाला दोनों में से किसी रास्ता का अवलंबन करना पड़ता है। असंतराशम आत्मकम इस प्रकार रूप है इसका अभय इस यहाँ का जो वेदांत में तो अभय भाव है तो इस प्रकार रूप वाला है। उक्त लक्षणा शांति निर्विषय आनंद अभिव्यक्ति स्वभावत विद्या स्वरूप सामर्थ्यादिति अर्थ, ठीक है वहाँ पे क्या बोला कि मोक्ष नामक अक्षय शांति मोक्षाख्य अक्षय शांति इस अर्थ कहते हैं। उक्त लक्षणा शांति तो जो शांति किसके द्वारा लक्षित हुआ मोक्षाख्य
अक्षय शांति एक प्रकार उक्त लक्षणा शांति इसका मतलब क्या हो गया निर्दिशय आनंद अभिव्यक्ति जो हमारे स्वभाव स्वरूप से मैं निर्दिशय आनंद वाला हूँ निर्दिशय आनंद का अभिव्यक्ति हो जाना निर्दिशय आनंद अभिव्यक्ति स्वभाव मेरी नेचर हम आनंद स्वरूप है आर्धू श्रुति क्या बोलती है आनंदादि खलिमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति विषं विशन्ति तत्त्वं मदं विजिज्ञासु तो आनंद से ही अपने आनंद से ही हमारे अभिव्यक्ति आनंद में ही हमारी स्थिति आनंद आनंद के स्वरूप है हमारा इसलिए अपने आप को अभिव्यक्ति होता है इसके बोलते हैं कि उपलक्षण उक्त लक्षण शांति निर्देश आनंद अभिव्यक्ति स्वभाव विद्या स्वरूप सामर्थ्य होता है ज्ञान की स्वरूप की कैसे ज्ञान की स्वरूप है आनंद अब देखिए सामान्य व्यवहारिक दृष्टि में कोई चीज़ को आप समझने का कोशिश कर रहे हैं स्कूल लाइफ से आप सोचिए तो आपको समझ पहले नहीं आ समझिए फिर अभ्यास करते करते आपको समझ में आएगा मन में माइंड में ठीक हाँ यस आपको मन में खुश होता है सामान्य विषय आनंद भी विषय की ज्ञान भी हमारे लिए आनंद का कारण होता है और वो विषय ज्ञान तो कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा इसलिए वो आनंद भी कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा परंतु स्वरूप जो आनंद है भविष्य की खूब वो आनंद अभी व्यक्ति जो जीवन जाता है इसलिए आप बोलते हैं अभी विद्या स्वरूप सामर्थ्य विद्या के स्वरूप सामर्थ्य से निर्देश आनंद को प्राप्त अक्षय आनंद को प्राप्त करते हैं वहाँ पे 11 नंबर टिप्पणी लिखी है 10 नंबर क्या बोलते हैं अभयम अज्ञानम तत्कार्य निवृत्ति आत्मकम फल है ना ये हो गया अभय भय क्यों होता है अज्ञान से भय होता है अज्ञान मिट गया तो फर्क भय नहीं है इसलिए बोलते हैं अज्ञान तत्कार्य अज्ञान भी गया अज्ञान की कार से गया अज्ञान की कार से गया अविद्या से ही वासना होती है अविद्या काम कर्म है ना तो अज्ञान नहीं है निवृत्ति रूप जो फल फल है उस फल को यहाँ पे अभय शब्द ग्यारह नंबर होता है विद्या स्वरूप सामर्थ्य विद्या क्या है अखंड आत्मवृत्ति निष्ठा सामर्थ्य विषय मतलब अखंडकार अखंड एक व्यापकाकार वृत्ति अखंड एक व्यापकाकार वृत्ति उसमें निष्ठा निश्चय रूप से स्थिर हो जाना निष्ठा निश्चय स्थिता निष्ठा अखंड आत्मवृत्ति निष्ठा सामर्थ्य से इस प्रकार की जो वृत्ति के सामर्थ्य के बल पे जो होता है उसको बोलते हैं आनंद अभिव्यक्ति अनुकूल रूपा जो आनंद की अभिव्यक्ति के लिए जो अनुकूल है इस प्रकार के मनोवृत्ति है ना आनंद निर्दय आनंद की अभिव्यक्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक व्यापक आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको हमारी मनोवृत्ति को व्यापक करना मनोवृत्ति में पूर्णता व्यापकता इस प्रकार की मनोवृत्ति निर्दय आनंद के अभिव्यक्ति के लिए हेतु करता है विचारपूर्वक क्योंकि मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ इस प्रकार आकाश जब तक दीवारों के माध्यम से परिच्छिन्न प्रतीति होती है इस प्रकार शरीर के माध्यम से आत्मा परिच्छिन्न की प्रतीति होने पर भी वास्तविक में परिच्छिन्न नहीं होना इस प्रकार से उक्त लक्षण शांति आनंद अभिव्यक्ति स्वभाव विद्या स्वरूप सामर्थ्य विद्या स्वरूप अखंड आत्मवृत्ति निष्ठा सामर्थ्य विशेष देखिए एक विशेष सामर्थ्य है आत्मा कुछ ना कुछ व्यक्ति उठाते रहता है अखंड कार्य आत्मकार वृत्ति अखंड आत्मवृत्ति निष्ठा सामर्थ्य विशेष आनंद अभिव्यक्ति अनुकूल इस स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति के लिए जो अनुकूल मनोवृत्ति अनुकूल मनोव्यापार स्वरूप आनंद के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल मनोव्यापार जो हमें कहते हैं कि विद्या स्वरूप सामर्थ्य विद्या ठीक होते हैं विदुषा जीवन मुक्ता नाम मुक्ति सिद्धत्वा न साधन अपेक्षा इति आनंद है ना जीवन मुक्त पुरुष जब अपने जीवन मन में ऐसा लगता है कि हाँ कृतकृत्य हो गया कुछ करना नहीं है विदुषाम विद्वानों का विद्वान के सब सामान्य विद्वानों का नहीं बोल रहे हैं आत्मविद पुरुष जीवन मुक्ता नाम जो आप जीवन मुक्ति के आनंद दे रहे हैं मुक्ति सिद्धत्व अगर कब जिसके लिए प्रयास करते वो सिद्ध हो गया जीवन मुक्त आनंद है इसीलिए न साधन अपेक्षा ठीक कोई साधन की अपेक्षा नहीं है
न अन्न आयत्त न उपचार कथन और दृष्टि का बिना नहीं रहना है उसको, तो किसी प्रकार के उपचार साधन की अपेक्षा न अन्न आयत्त, इस विषय में कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। इस विषय पहले कथन करके आया उसमें बोलता है तत्र वाक्य उपक्रम अनुकूलयति, इस विषय में क्या ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर किसी साधन की माँ इसको बना कर रखने के लिए, इस प्रकार मान लीजिए मैंने कोई विद्या को सीखा, सामान्य रूप से बोलते हैं अनभ्यास्य विषम विद्या, क्या बोलते हैं अनभ्यास्य विषम विद्या, विद्या के अभ्यास नहीं रखेंगे तो आपका क्या होता है विद्या भूल जाता है। आत्मज्ञान ऐसा कोई कठिन विद्या नहीं है, हाँ आत्मज्ञान स्वरूप खुद प्रकाश है, हाँ पठित भी पठन पठन से क्या होता है वो मतलब जो आवरण था वो हट जाता है, वो आवरण हट जाता है, अपने स्वरूप संबंधित निश्चय हो जाता है, पर उससे जो अभिव्यक्ति होती है वो चाहे किसी क्रिया साध्य नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि न अन्न, इस विषय में न अन्न आया तत्ष्ट का अधीन होकर के होता नहीं होता नहीं होता, इस विषय में तत्व वाक्य उपक्रम अनुकूल है, इससे इस विषय में क्या कि आत्मज्ञान के बाद किसी प्रकार के साधन की अपेक्षा नहीं करना है। इस विषय में पहले जो कथन करके आया आत्मा पूर्व आपको अनुकूल 36 नंबर बोले ना न उपचार कथन चले थी अवचाम प्रतीक मिल रहे ना कहाँ कहाँ का प्रतीक है उत्तमेभ्यो ज्ञानवद्भ्यो अधिकारीभ्यो व्यतिरिक्त व्यतिरिक्तान अधिकारिणो अवतारयति उत्तमेभ्यो ज्ञानवद्भ्यो अधिकारिभ्यो, सभी में आपको एक ही विभक्ति दी, कौन सा विभक्ति वचन है होगा जी बोले तृतीय पंचमी बहुवचन है ये दो ही जगह चतुर्थी और पंचमी, ये पंचमी क्यों है क्योंकि किससे भिन्न करके दिखा रहा है उत्तमेभ्य ज्ञानवद्भ्यो अधिकारीभ्यो व्यतिरिक्ता, मतलब तीन उत्तम अधिकारी जिसका ज्ञान हो गया इस प्रकार अधिकारियों से भिन्न, इस प्रकार अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों को द्वितीय बहुवचन व्यतिरिक्तान अधिकारी दोनों द्वितीय बहुवचन है, इससे इन लोगों को अलग करके दिखाने अवतार अलग करके दिखाने के लिए अब अगला वाक्य को लाते हैं ठीक है। इसलिए उत्तमेभ्यो ज्ञानवद्भ्यो अधिकारीभ्यो ये तीनों पंचमी बहुवचन उत्तम ज्ञानवान अधिकारियों से व्यतिरिक्तान अधिकारी भिन्न अधिकारियों को दिखाने के लिए अवतरण करते हैं भगवान भास्कर। सात नंबर टिप्पणी मतलब कर्म अनुष्ठान शुद्ध बुद्धि नीति, कर्म अनुष्ठान के द्वारा शुद्ध बुद्धि हो गया जिन लोगों का, बुद्धि शब्द पुलिंग है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ना, तो स्त्रीलिंग में बुद्धि शब्द जब प्रयोग उसका द्वितीय बहुवचन क्या होगा, या द्वितीय बहुवचन है ना व्यतिरिक्त अधिकारी नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या है नदी नदो नद नदी 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 बुद्धि। अच्छा आप टिप्पणी में देखिए मैं क्यों बोल रहा, इस चीज को पढ़ते समय ध्यान देखिए ना तब एक बार बैठ जाएगा बुद्धि, कर्म अनुष्ठान शुद्ध बुद्धि बुद्धि ये तो द्वितीय बहुवचन कर दिया बुद्धि जो बोल रहे, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी समास होकर के पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं, बहुत भी समझ गया मतलब कर्म अनुष्ठान के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो गया जिन अधिकारियों का, उस अधिकारियों को पुलिंग में प्रयोग किया अधिकारी ना पुलिंग बुद्धि ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं कि कर्म अनुष्ठान शुद्ध बुद्धि ठीक है ना, कर्म अनुष्ठान के द्वारा शुद्ध बुद्धि हो गया उन लोगों को, यहाँ पे बहुत भी समझ करके पुलिंग में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पृथ्वी होते व्यतिरिक्त अधिकरण का अवतार स्थिति समझ में आ रहा है कि क्योंकि बुद्धि शब्द शुद्ध बुद्धि स्थिति तो मैं प्रयोग होता बुद्धि शब्द ये तो अन्य योगिनो मार्ग का हीन मध्यम दृष्टय, उससे भिन्न जो अन्य योगी लोग हैं योगिनो तीन नंबर टिप्पणी कर्म अनुष्ठाई मार्ग का टिप्पणी में देखिए मैं उसमें छोड़ दिया था वो वेदो उपदिष्ट उपासना मार्गो अनुवर्तिन इति अर्थ मार्ग का
अर्थात शास्त्रीय कर्म वर्ण और आश्रम विहित कर्मों को आचरण करने वाले लोग, ये लोग मतलब कम कम नहीं है। जो वर्ण और आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। यहाँ पे ध्यान बोल रहे हैं कि मार्ग का वेद उपदिष्ट उपासना मार्ग अनुवर्तित इत्यादि, वेद के द्वारा उपदेश किया गया जो उपासना उस मार्ग को अनुसरण करने वाले लोग हैं, इसी का जो होता है मार्ग का है ना, दीन मध्यम दृष्टयो है दीन दृष्ट मनो अन्न आत्म व्यतिरिक्त आत्मसंबंध, मन को आत्मा से भिन्न करके आत्मा से संबंध रखने वाला ऐसा देखते हैं। ते समूल लोगों का मोक्ष फलम आह, उन लोगों की मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, मनुष्य निग्रह आयत्तम अभयम सर्वयोगी, मनुष्य युक्त प्रतीक है, बीच में जो मनुष्य पद आया हुआ है इस श्लोक का पहला वर्ड है, या तो जो है ना मोक्ष फलम आह, ये जो मनुष्य मनुष्यो विसर्ग का ड्रॉप हो गया, यदि तेषाम आत्मसत्व अनुभूत रहिताना, जो है उन लोगों का आत्मा ही सत्य वस्तु है, इस प्रकार से अनुभव गुरु का कुछ सुनकर के निश्चय नहीं होने कारण मनुष्य निग्रह आया तो मन को यदि निग्रह कर पाएगा तब उसके अधीन होकर के अभय सर्वसंग अभय भक्त को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते नहीं बोल रहा, आप भी अभय भक्त को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में मन से अभय भक्त को प्राप्त होगा। वहाँ पे देखिए आप उसमें आ गए, ठीक है द्वितीय लाइन राइट हैंड कॉर्नर, योगिन सुकृत अनुष्ठायिन तद अनुष्ठानात एव सन्मार्ग गामिन तेषाम अपि तत्त्व ज्ञानं कथञ्चित् उपजातं चेत् अलं मन निग्रहेण इति आशंका आह। तो योगिन है ना, वो क्या करता है सुकृत अनुष्ठायिन, शास्त्र भी अपने वर्ण और अस्त्र भी अच्छे कर्म को करते हैं, सुकृत अनुष्ठायिन है ना अच्छा कर्म कर सकते हैं, तब अनुष्ठानादेव उस प्रकार शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान के बल से ही सन्मार्ग गामिन अच्छे मार्ग में चलने वाले लोग होते हैं, तेषाम अपि उन लोगों का भी तत्व ज्ञान कथन किसी प्रकार से तत्व ज्ञान हो जाएगा, कथनचित उपज तेषाम अपि तत्व ज्ञान कथनचित उपजातम चेत अलम्बन निग्रह मन निग्रह करने की आवश्यकता है, हो जाएगा उन लोगों को शास्त्रीय कर्म करते करते ही हो जाएगा, मतलब कर्म से मुक्ति मानने वाले लोग को आत्मज्ञान हो जाएगा, जो भी ना सुकृत आपके पुस्तक में सुकृत लिखा क्या लिखा वहाँ पे, रेकार की मात्रा है कि उकार की मात्रा है, उकार करो सुकृत मिला थर्ड लाइन, टीका की थर्ड लाइन लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सुकृत अनुष्ठायिन तर्म अनुष्ठानादेव मतलब वो शास्त्र वर्ण अष्टविध कर्म का अनुष्ठान से बल पे सन्मार्ग गामी लोगों अच्छे सन्मार्ग में चलने वाले होने के कारण देशानपि उन लोगों का भी तत्व ज्ञान कथम चित उपजा किसी प्रकार से तत्व ज्ञान हो जाएगा, जे यदि हम ऐसा कहें तो अलम मन निग्रह है, मन निग्रह करके क्या लाभ है, क्यों कर मन निग्रह, यदि ऐसा कोई शंका करते हैं उसको उत्तर में बोलते हैं कि देशानपि मन निग्रह आयतम मन सदेशा तेषा मोक्ष फलम आह मन से आत्मसत अनुबोध रहता मन से निग्रह आयतम अभ्य सर्वेशा योगिना। यहाँ पे देखिए हमको टिप्पणी लिखे पड़ रहे हैं आठ नंबर और नौ नंबर, ठीक है कहाँ पे सन्मार्ग गामिन तेषा आठ नंबर है तेषा मतलब उपासना मार्ग अनुगामिना, ठीक है ना तेषा मतलब उपासना मार्ग में चलने वाले लोग प्रभा करते हैं ना, वो प्रभा करते लोग उपासना से मुक्ति मांगते हैं, इसलिए बोलते हैं उपासना मार्ग अनुगामिना तेषा तब तक ज्ञान कथनचित भविष्यति किसी प्रकार से हो जाएगा, व्यर्थ कैसे होगा बोलते हैं आचार्य उपदेशादि आचार्य उपदेशादि उपदेशादीना आचार्य उपदेशादीना उनका भी हो जाएगा, बोलते कि नहीं अंतकरण शुद्ध होने के बाद आचार्य उपदेश के बाद अपने आप जब विचार नहीं करोगे तब तक बड़ा संभव, पठन पाठन के बाद पुस्तक बंद करके रखते से काम होने वाला नहीं है, अपने आप विचार करें आचार्य ने यह बोल रहे हैं कथम आचार्य उपदेशादीना कथम कैसे होगा, बोलते हैं कि किसी प्रकार से हो जाएगा, बोलते कैसे हो जाएगा, तो आचार्य उपदेश सुन लेंगे वो
वो तो कर्म निष्ठा करके वह जाएगा ही नहीं। हाँ वरिष्ठ लोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद वैराग्य को लेकर कहा जाते तब हम भी मानते हो जाए उसमें सिद्ध कर कथन चित उपजातम उपजातम चित अलग मन निक्रण अलग होता फिर मन निक्रण करके क्या करेगा ऐसे शंका करते तो उत्ते रहते शाम अभयम तदेव तत्ज्ञानम तत्तेषा मोक्षफल मनुष्य तेषा आत्मोक्षत्वानुबोधन मनुष्य निक्रायत्व अभयम। फिर यहाँ पे जो अभयम पद आया हुआ है उस अभयम पद का अर्थ क्या लिखा है अभयम तदेव तत्ज्ञानम वो जो तत्ज्ञान है वो भी मनोनिग्रह आयत्व रश्नम का मतलब मनोनिग्रह साधम एव मन निग्रह का अधीन होकर के आत्मज्ञान मन निग्रह कर्माशक्ति रहे क्रिया कारक फल भेद बने रहा क्रिया कारक फल भेद बने रहे मतलब कर्म कर्ता कर्म संपादन अपादन आदि का सब भेद मन में बैठा हुआ है और जो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा इसलिए मन निग्रह साधम एवं मन को निग्रह के अधीन होकर की वो अभय भाव को प्राप्त करते हैं। फिर टीका दुख निवृत्ति अपि मन निग्रह अपेक्ष भवती आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी मन निग्रह के अधीन होकर ही होता है। जब तक कैसे संबंध बना करके रखेंगे और हमारा दुख निवृत्ति हो जाए इसलिए भगवान को भी दैत्य रूप में मत देखना भगवान को भी अपने स्वरूप रूप में देखो तो संबंध नहीं जाएगा भगवान से जैसा दैत्य रूप में संबंध करेगा तो खोने का डर रहेगा यदि भगवान को स्वरूप रूप में बैठा लेंगे तब कभी खोने का भी डर नहीं आज प्राप्त नित्य प्राप्त है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि दुख निवृत्ति अभी मन निग्रह अपेक्षा दुख निवृत्ति भी मन निग्रह के अधीन होगा कि प्राप्त होता है किंच दुख क्षय अभी और क्या आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी मन को निग्रह मतलब संबंध छोड़ देने पर मन जो है तब जाकर के दुख निवृत्ति होना संबंध उसको समझाने के बोलिए बोल रहे हैं ना वैसे बोलते हैं तदेव व्यतिरेक मुखे न स्को रहती मतलब मन को जो संबंध बना रहा कजरी इसको नहीं छोड़ पाएंगे तो व्यतिरिक अन्य मतलब जहाँ संबंध नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है और संबंध नहीं छोड़ा तो दुख भी नहीं छूटा इसलिए बोलते हैं कि नहीं और आत्मा संबंधिनी मनसी प्रचलित है क्योंकि नौ बालक छोड़ रहा क्योंकि आत्मा के साथ संबंध रखने वाला मन मन जिस समय विक्षिप्त हो जाता है उस समय दुख क्षय नमस्त विवेकिना अविवेकी व्यक्ति के लिए दुख क्षय होना तो संभव ही नहीं होगा। ये हो गया यहाँ पे देख होना है नहीं होते नहीं आत्म संबंधी नहीं मन से प्रचलित है दुख क्षय अस्त विवेकिना यहाँ पे कौमा लगा देना भाषण में यहाँ पे कौमा लगा देना दुख निवृत्ति अच्छा ठीक है पहले रखना इतस्य मन निगृहितव्य इति इस कारण से भी मन को निवृत्त करना चाहिए इस कारण से भी मन को रोकना चाहिए है ना मन निरोध किंच आत्मप्रबोध भी मन निग्रह आयत्त है ना आत्मज्ञान भी मन को अमन कर देने पर मन को विषय चिंता से रहित कर देने पर तब आत्मज्ञान होता है मन को विषय चिंता से रहित कर देने पर ही आत्मज्ञान चाहिए इसीलिए भी मन को निरोध करना चाहिए इसलिए भी मन को इस कारण से रोकने आते इतस्य इस कारण से भी मन निग्रहित मन को निग्रह करना चाहिए आवश्यक मन में कहते हैं किंच आत्मप्रबोध भी मन निग्रह करते तीन का दुख क्षय प्रबोध और निर्विषय आनंद तो प्रबोध कब होगा जब हम मन को निरोध कर पाएंगे तब इसी वजह से मन आ जाएगा फिर क्या होगा अभय इत्यत्र सूचित स्पष्ट विक्रय होती वो जो अभय पद के द्वारा जिसको छूटे क्यों निर्दिशय के भय रहित नहीं होता तब विपरीत निर्दिशय आनंद को भी प्राप्त करता केवल दुख हमें का ये बात नहीं है वो निर्दिशय आनंद जो भी और आनंद ही हो व्यक्ति ढूंढ है विषय रूप आनंद नहीं या अंदर से एक आनंद रहता है। अभय इत्यत्र सूचितम अभय इस पद के द्वारा जिसको सूचित किया गया था क्या मतलब उसके द्वारा क्या सूचित किया नित्य आनंद को प्राप्त कर ले स्पष्टम विवृण होती इसको स्पष्ट करके निष्कर्ष कहते हैं क्या बोलते हैं आत्मप्रबोध अभी आत्मप्रबोध अभी मन निग्रह आयत्तम एव ठीक है ना आत्मप्रबोध भी मन निग्रह का ही नित्य मन निग्रह अर्थवान इस कारण से भी मन को निग्रह करना अर्थशाली है मतलब युक्तिसंगत है मनोनिग्रह अर्थवान इस कारण से भी मन को निग्रह करना युक्तिसंगति के अहम तथा अक्षय अपि मतलब शांति अक्षय शांति जिसको मोक्ष नाम से कहा जाता है तथा अक्षय अपि शांति
है ना, उसको एक शांति स्त्रीलिंग जैसे अक्षया, कहीं पर अक्षयम, कहीं पर अक्षय, कहीं पर अक्षया, वो अक्षय एक विशेषण है। यदि कोई न्यूट्रल जेंडर को लेकर ब्रह्म तो अक्षर, ब्रह्म के साथ प्रयोग करेंगे तो अक्षय, ईश्वर के साथ प्रयोग करेंगे तो अक्षय है, और यहाँ पे शांति के साथ प्रयोग इसलिए अक्षया 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 अभी मोक्ष नामक जो शांति है जैसा मन निग्रह आया तो मन के अधीन हो, मन निग्रह के अधीन होकर के इसका अनुभव होता है। इतस्य मन निग्रह अर्थमान, इस कारण से भी मन को निग्रह करना अर्थशाली हो जाता है। तेषा साधता नाम मोक्ष नामी की जाए है ना, वहाँ पे देखिए तथा अक्षया अपि मोक्ष तथा शांति तेषाम पर्थक है। विद्वान को लेकर के समस्या नहीं है, बिल्कुल अज्ञानियों को लेकर के कोई समस्या नहीं है, समस्या हम लोगों की है, समस्या हम लोगों की मध्यम मतलब भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए सब, जिसका भगवत संबंध कोई विचार ईमान में नहीं होता उनका कोई समस्या नहीं आती, खाओ पियो, जिनका हो गया उनका भी कोई समस्या नहीं बनती, जो बीच का है उनके लिए किस होता है तेषाम साधक का नाम मुमुक्ष नामी की जब होता है उन लोगों का, तो मुमुक्ष साधक यहाँ पे कहा जा रहा है वो भी मन को निरोध कर पाएंगे तब तक निर्देश। अच्छा परंतु यहाँ पे ग्रंथ का निरोध है कि मनोनिरोध जो है इतना आसान काम है, मनोनिरोध इतना आसान काम है, क्योंकि वहाँ पे अर्जुन को जब भगवान युवयम योग तया श्रोक्ता शामे न पे तश्रम न तश्रम चंचल से, ये जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मन तत्व पंच चंचल है अस्थि है उसको सीख कर मन भी आ, तो भगवान क्या बोलते हैं संशय होता मनोनिरोध इतना है ना, ठीक बोला तो इस विषय में कोई शंका नहीं है, मन को निग्रह करना बहुत कठिन है क्योंकि चंचल है, और वो क्या कहता है कि प्रमाथी बलवत दृढ़, तीन विशेषण दिया मन प्रमाथी मतलब जैसे आपने घुमा के छोड़ा ना फिर घूम के हाथ जाए बलवान जहाँ जाए वहाँ चिपक जाता है तब दृढ़ होकर के बैठ जाता है, इस प्रकार मन को बहुत कठिन है। भगवान क्या बोले थे, भगवान योगदर्शन सब एक ही बोलते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्यास धर्म योग होता है ना, इसलिए अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य न करते हैं, हमारे उत्तम अधिकारी के लिए क्या अभ्यास था कहा था वहाँ भी अभ्यास विवेक दर्शन अभ्यास है, विवेक पूर्वक वस्तु को देखने का अभ्यास उसके आप वैराग्य उसका अभ्यास से करना, आप यहाँ पे भी आगे बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग जानते हैं एक कथा है ना, एक बार ये छोटे पक्षी का तो समुद्र में रहता था, समुद्र का लहर आकर के उनके अंडा को ले गए चिड़िया, किसी की बच्चा को ले जाए तो वो माँ कैसे उसका निर्णय कर, मैं तो उस समुद्र को सुखा करके मेरे अंडा को निकाल दिया, संकल्प किया, जब ये संकल्प किया तब एक एक अपनी चोट से बचा बस कैसा लेना, अपनी चोट से एक एक बिंदु पानी ला करके बाद बजरी को मुझे सुखा दिया, समुद्र को सुखा दिया, सब देखते देखते क्या कर रहे हैं, कई चिड़िया और आ गए सबके सामने, उसने बोला देखो भाई मेरे अंदर के समुद्र में ले गया तो इस अवस्था में तो मैं नहीं ले सकता हूँ कसम, तब आओ सब चिड़िया मदद करने लग गया, इतने में महावीर जी को देखे कई चिड़िया समुद्र जाकर इकट्ठा हो गया, क्या बात है, तब जाकर के पता लगा उनका तो तीनों लोग में आवाज गति है, तो गरुड़ जी को जाकर के बोलता अरे भाई तुम्हारी बरादरी वाली बड़ी परेशानी में है, वो लोग देखो समुद्र तट पर लगे हुए हैं अपने अपनी चोट से जैसा पानी खड़ी कर आए वहाँ पर, क्या बात है ऐसा क्यों कर रहे हैं, चीज अलो कर देखिए आप हमारे जो कई चूट कर आ जाए हमारे अंडा पर जो है चीज जो समुद्र में ले जाए मैं तो उसको सुखा करके अंडा निकाल देता हूँ, तब गौरव किया बड़ी तेजी से अपना जान जाना भी पता चल जाए, तब भगवान विष्णु को भी पता लगा, जब समुद्र भाग करके आए भाई खतरा है सारे इकट्ठा हो गए, अब उसी को मन में रखते हुए देखिए समुद्र को सुखाना तो असंभव था, तो असंभव परंतु अंडा प्राप्त करना वो संभव हो गया, ठीक है ना, अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करना, इसीलिए जो मन को बिल्कुल मारना असंभव नहीं है किंतु अध्यम से चाहिए निश्चय चाहिए मैं करूँगा फिर बाकी काम होगा, बाकी काम आगे ईश्वर के पास हो जाएगा, बाकी कुछ ना कुछ व्यवस्था भगवान का, हमारे दृढ़ निश्चय चाहिए मैं इस काम को करूँगा, जब इस काम को करूँगा जैसे एक चिड़िया यदि निश्चय कर सकता है कि मैं समुद्र को सुखाऊंगा, हमारा निश्चय कितने हो सकता है कि हम इसी शरीर में भगवान प्राप्ति करेंगे,
जब ये विषय होगा तो कभी भगवान भी मानेगा। इसको समझाने के लिए यहाँ पे अगला श्लोक आ रहा है, इसलिए आप सुनने आज जो है पहला दूसरा तीसरा यत्र ज्ञानलोका भाषा प्रतिहति अगम शांतस्तु अंधकारो मज्जोन्मज्ज भूरे उपजनो नदुगति प्राशमी यत्पादावास्तिकानां श्रुतिसमविनया प्राप्तिरग्राह्यमोहा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनौ सर्वभावेन नमस्सु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य व्याप्तदेहाय दक्षिणा।